अगर दोस्तों आपके टेक्नो और इनफिनिक्स मोबाइल में आपको बहुत ज़्यादा ऐड देखने को मिलती है और आप भी इन सभी एड्स को देखने पर इरिटेट हो जाते हैं और इसमें आपको सिक्योरिटी रिलेटेड इशू भी रहता है, तो दोस्तों ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे टेक्नो और इनफिनिक्स मोबाइल के ब्राउज़र या क्रोम में से एड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके आपके ब्राउज़र में से सारे एड्स रिमूव हो जाएंगे, मतलब आपको एड फ्री ब्राउज़र का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही दोस्तों आपको अपने मोबाइल को रूट करने की ज़रूरत है। दोस्तों इस ट्रिक को बहुत ही कम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं या नहीं नीचे कमेंट करके बताएं। चल दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके आपके टेक्नो और इनफिनिक्स मोबाइल में से एड्स रिमूव हो जाएगी। चल दोस्तों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने सेटिंग्स पर और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट पर और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट DNS और उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगी। तीन ऑप्शन में से आपको लास्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है जो कि आपकी प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम, और यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप करना होगा जो कि दोस्तों dns.edgard.com। दोस्तों ध्यान रखें कि जो आपको एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको वही एड्रेस यहाँ पर डाउनलोड होगा, वरना ये आपका कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा और जब दोस्तों ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपके ब्राउजर में से सारी एड्स रिमूव हो जाएगी। DNS कनेक्ट होने के बाद आप एड फ्री ब्राउजिंग का मजा ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको एडल्ट एड और नॉर्मल एड दोनों को बंद करना है तो इसके लिए आपको एक अलग एड्रेस लिखना होगा जो कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम एड्रेस एंटर करना है तभी ये आपका वर्क करेगा, वरना आपका ये वर्क नहीं करेगा। दोस्तों अगर आपकी डिवाइस एंड्रॉयड 9 से ऊपर है तो तभी आपको DNS की ऑप्शन आपके मोबाइल में देखने को मिलेगी, वरना आपको ये ऑप्शन मोबाइल में देखने को नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आर्टिकल को रीड कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो को आपसे पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।